हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज 2.0 में। आज हम 4 जून 2022 की मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स लाए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? आंसर, हर घर दस्तक अभियान 2.0। क्वेश्चन 2, किस राज्य ने जाति आधारित गणना नाम से जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है? आंसर, बिहार। क्वेश्चन 3, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस इकाई को खरीदारों के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम के दायरे का विस्तार किया? आंसर, सहकारी समितियां। क्वेश्चन 4, किस राज्य ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए ACB 14400 नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है? आंसर, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन 5, सभी मूल्यवर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपरों को समाप्त करने के बाद किस राज्य ने ई स्टैंपिंग सुविधा शुरू की? आंसर, पंजाब। क्वेश्चन 6, हर साल तेलंगाना स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर, 2 जून। क्वेश्चन 7, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, राजेश गोरा। क्वेश्चन 8, कौन सा देश कोवैक्स टीके को प्राप्त करने वाला शीर्ष प्राप्तकर्ता बन गया है? आंसर, बांग्लादेश। क्वेश्चन 9, किस खिलाड़ी को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर, डेरन सैमी। क्वेश्चन 10, किस युवा महिला उद्यमी को टाइम्स बिजनेस अवार्ड्स 2022 से सम्मानित किया गया है? आंसर, रश्मि साहू। क्वेश्चन 11, सशस्त्र सीमा बल SSB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, SL थाईसिन। क्वेश्चन 12, भारत सरकार ने मई 2022 में कुल कितने करोड़ रुपए का GST संग्रह किया है? आंसर, 1.41 लाख करोड़ रुपए। क्वेश्चन 13, एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को हराकर कौन सा पदक जीता है? आंसर, कांस्य पदक। क्वेश्चन 14, किसके द्वारा अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाधिवेशन का उद्घाटन किया गया है? आंसर, रामनाथ कोविंद। क्वेश्चन 15, जापान के फुकुओका को पछाड़कर दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? आंसर, US फ्रंटियर। क्वेश्चन 16, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर, जुल्फिकार हसन। क्वेश्चन 17, SBI के पूर्व MD अश्विनी भाटिया को किस संस्था का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है? आंसर, SEBI। क्वेश्चन 18, भारतीय नौसेना ने किन दो जहाजों को 32 साल बाद नौसेना डॉकयार्ड में सेवामुक्त किया है? आंसर, INS निशंक और INS अक्षय। क्वेश्चन 19, भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन मिताली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई? आंसर, बांग्लादेश। क्वेश्चन 20,
भारत ने किस देश के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान, युवा मामलों में सहयोग और अधिकारियों के लिए वीजा मुफ्त शासन के लिए 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर: सेनेगल। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।